दोस्तों यार लाल हो गया और चिकन को हम डालने जा रहे हैं। देखिए डाल रहे हैं। हाँ डाल दीजिए। देखो डाल लाल दिए। चलाइए। और दोस्तों एक मुर्गा का ये देखिए आधा केजी होगा। कितना केजी होगा मम्मी? एक केजी होगा। एक केजी मसाला वगैरह पानी। कितना मस्त एकदम दिख रहा है दोस्तों। देखिए रंग दिख रहा है। लटपट्टी ज्यादा जोर मत कीजिए। ऐसे ही लटपट्टी उतारिये। काके बार खाएंगे ऐसे ही खाएंगे। हाँ हल्का पानी दे दीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा हम लोग पानी कितना डालेंगे अपना चिकन में। हल्का मतलब हल्का डालेंगे कि ज्यादा? का पिताजी हल्का डालेंगे। दादाजी को भी देना है ना। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों अभी रात हो चुका है और लगभग 7 बज रहा है। हाँ 7 बजे हम लोग का जो मुर्गी था ना, जो पोटास ऊपर में पकड़ दिया था तो मर गया था। मुर्गा मरा नहीं था। मरा नहीं था, हम लोग काटे मतलब नहीं पोटास पकड़ा था तो आधा मर चुका था आधा जान था। जो मरती तो था ना दोस्तों, आधा खा गया था पोटास तो मुर्गा मर गया आज सुबह। तो हम लोग सोचे कि मुर्गा है उतना दाम 700-800 में बिकता है, उसी कारण हम लोग बिकने की कोशिश किए लेकिन नहीं बिके क्योंकि उतना दाम में मिलता है 700-800 रुपया 900 रुपया 1000 पार रहता है मुर्गा का रेट। इसीलिए हम लोग ने सोचे कि खाएंगे क्योंकि कोटास वगैरह पकड़ता है तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, खाता है बहुत कोई आदमी। तो उसी था ना इसी चलते पकड़ लिया। कोठा ऊपर में खूट के रखे थे ना, खांची में ढाप के थे, खांची में उघार के उसको मुंडी में काट दिए थे दोस्तों। लेकिन कैसे मतलब घुस गया हम लोग को पता नहीं चला। जब हल्ला मतलब मुर्गा ही से हल्ला करने लगा तो हम लोग चल गए दौड़ के। दोनों बाहू गए थे, दोनों दौड़ के उठे थे क्या ऊपर? हाँ दोनों उठे, लाइट बार लिया गए तो देखते हैं पूरा मुर्गा एकदम हड़बड़ हड़बड़ कर रहा। मतलब मरा हुआ था, आधा जान निकल गया था और मुर्गा उछल रहा था पूरा, आधा खून निकल रहा था। हम लोग जैसे गए ना दौड़ के तो इसे कोटास भाग गया था। अगर हम लोग नहीं जाते तो मुर्गी को शायद ले जाता मुर्गा को। तो हम लोग वही सोचे कि बना देते हैं चिकन वगैरह। हाँ। तो देखिए हम लोग को जला लिए, आग वगैरह जल चुका है, कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल भी डाल दिए दोस्तों। चलते हैं अभी बनाते हैं का, ये दिखाते हैं। पूरा तेल पूरा ही हो गया है, देखिए पूरा एकदम डालो। डालते हैं प्याज। चिकन पहले दिखाओ, चिकन दिखाओ पहले तो देखिए। ये देखिए यही मतलब मुर्गा का है दोस्तों, जो मरा हुआ था। दिखाइए बहुत अच्छा है, ज्यादा भी आधा मरा था। डालते हैं प्याज। चलिए प्याज इतना सा डाले हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि चिकन वगैरह बन ज्यादा है कि कम, कि ज्यादा डाल दिए। आप लोग कितना डालते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। हम लोग देखिए इतना सारा प्याज डाले हुए हैं, मिर्ची वगैरह। हाँ हम चलते हैं, आप लोग चलाइए, हम जाते हैं मसाला पीसने के लिए। क्या खाती तो इधर कर देते हैं, हम लोग को ज्यादा घर नहीं है दोस्तों, खाती यहीं पर कर लेते हैं। और क्या क्या डाले हैं पीसने के लिए? इसमें लहसुन और यही वाला दोस्तों हम लोग का कोठा है, इसी ये चक के गया था और ऊपर में हम लोग मुर्गी को रख दिए थे। और क्या क्या है मसाला पीसने? देखिए जीरा गोलकी है इतना सा और मिर्चा है, और इसको पीसते हैं दोस्तों। चलिए पीसिए। और इधर पिताजी चला रहे हैं चिकन को बनाने के लिए, डाले हैं वह यही वाला, हल्का लाल भी हो चुका है। उधर दिखा दीजिएगा कहाँ से कोठा सुथरा से हुआ। चलिए कोठा है, हम लोग दिखाए हैं आप लोग वीडियो में, पहले दिखाए थे हम लोग कैसा कोठा है क्या। हाँ ठीक दोस्तों, यार लाल हो गया और चिकन को हम डालने जा रहे हैं। देखिए डाल रहे हैं। हाँ डाल दीजिए। देखो डाल लाल दिए। चलाइए। और दोस्तों एक मुर्गा का ये देखिए आधा केजी होगा। कितना केजी होगा मम्मी? एक केजी होगा। एक केजी देखिए एक केजी का मुर्गा था दोस्तों। तो अब एक केजी की कितना है आप लोग बताइएगा कमेंट में।
कितना होता है, लेकिन यहाँ तो 1 kg लगभग दिख ही रहा है ना। और चिकन जो हम लोग है बड़ा बड़ा पीस करके बनाए हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा खाने में अच्छा लगता है। बड़ा बड़ा ठीक लगता है, छोटा छोटा खाने में मतलब चंपल में ज्यादा छोटा भी नहीं, ज्यादा मीडियम साइज बनाए हैं दोस्तों, कितना अच्छा बनाए हैं। देखिए मसाला वगैरह डालने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, देखिए हम पीसे हैं वही वाला, देखिए डाल दिया गुड़िया भी, और भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत ज्यादा पीसे हैं। और दोस्तों थोड़ा सा सीज गया है हम लोग का चिकन, ये देखिए हल्दी नहीं डाला हुआ है ना, हल्दी नहीं डाला, हल्दी चलाओ। तो दोस्तों देखिए हम लोग का देसी हल्दी, घर का हल्दी है दोस्तों, चला। और क्या क्या डालना है? सब डाल दिए, पत्ता डाले हम लोग का, सही पता नहीं है दोस्तों तो क्या डालेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चिकन को बना के से जितना भी हल्दी मसाला वगैरह रहता है डालने का सब हम लोग डाल दिए और ऊपर से माटी ढक दिए। तो हम लोग अब चलते हैं, कितना देर में हम लोग का चिकन बन के तैयार होता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तब तक हम लोग चिकन बना के रेडी रहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग को चिकन के साथ भुजा गया, पानी पूरा सोख गया है मसाला वगैरह पानी, कितना मस्त एकदम दिख रहा है दोस्तों, देखिए रंग दिख रहा है ना, लटपट्टी ज्यादा जोर मत कीजिए, ऐसे ही लटपट्टी उतारिए, काके बार खाएंगे ऐसे ही खाएंगे। हाँ हल्का पानी दे दीजिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा हम लोग पानी कितना डालेंगे अपना चिकन में, हल्का मतलब हल्का डालेंगे कि ज्यादा, का पिता जी हल्का डालेंगे, दादाजी को भी देना है ना। देखिए चलते हम लोग कितना पानी डालिएगा, लगभग आधा हम लोग का चिकन बन ही चुका है। दिखाइए कलेजी, ये देखिए दोस्तों ये कलेजी है, और है का नहीं है, कलेजी रहता है, क्यों रहता है, और दो तीन उठा लीजिए। चलिए पानी डाल दें दोस्तों, बस इतना ही है। तो हम लोग इतना सारा पानी डाले हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज्यादा पानी डाले हैं कि कम का। चलिए अब बनने के लिए हम लोग ढक देते हैं, थाली में ढक देते हैं। अब मम्मी को पूछिए ढकेंगे चिकन, रेडी हो गया है अब, गुड़िया जी उतारेगी। हाँ देखिए दोस्तों हम लोग का चिकन पूरा अच्छा कर, और इतना सा हम लोग जोर किए हैं दोस्तों खाने के लिए। चलिए उतारते हैं, उतार दिए दोस्तों। अभी हम लोग का जो मरा हुआ चिकन था ओला बन के तैयार हो चुका है, और अपना अपना डुबी हम लोग ले लिए हैं, चावल भी ले लिए, परोस लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग चिकन को खाते हैं। खाने के लिए बैठ गए हैं दोस्तों, चलते हैं खाने के लिए, शुरू करते हैं दोस्तों। बना है एकदम लग रहा है कि वैरायटी होटल नहीं रहता है, वैसे ही बना फर्स्ट क्लास बना, बहुत अच्छा बना है दोस्तों, देसी मुर्गा है, देखिए झोर भी बहुत कम है, बहुत चक लग रहा है एकदम। इधर भी देख रहा है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद जय झारखंड दोस्तों, जय जय जवान जय किसान।